लातूरमध्ये 100 हून अधिक विद्यार्थिनींना अन्नातून विषबाधा, 55 ते 60 मुलींना उपचारासाठी केले दाखल। लातूरचे खासदार डॉक्टर शिवाजी काळगे पोहोचले रुग्णालयात। लातूर शहरातील शासकीय पूर्णमल लाहोटी पॉलिटेक्निक वसतिगृहात जेवणादरम्यान विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली आहे। लातूर शहरातील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 55 ते 60 मुलींना रात्री 11 वाजेच्या सुमारास उलट्या होऊ लागल्याने त्यांना दाखल करण्यात आले। डॉक्टरांनी तपासणी करून अन्नातून विषबाधा झाल्याची प्राथमिक माहिती दिली। जेवण करताना गिरगिटासारखा मृत पाणी दिसला, त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला। आता वसतिगृहात दिल्या जाणाऱ्या जेवणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत। अभी मुझे पता चला कि फूड पॉइजनिंग का इशू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टेल वुमेन्स हॉस्टेल में हुआ और बहुत सारी लड़कियां मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, तो वही हिसाब से मैं तुरंत यहां पे चला आया। देखने के बाद पता चला कि लगभग 55-60 गर्ल्स यहां पे आई हुई है, लेकिन उसमें से 2 या 3 गर्ल्स को ही वोमिटिंग का प्रॉब्लम है, बाकी नौजिया वगैरह ऐसे माइनर सिम्टम्स के साथ यहां आई हुई है। लड़कियां घबराई हुई थी, लेकिन सबसे बात करने के बाद उनको काफी आश्वस्त करने के बाद अभी उनको थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रख के घर भेज दिया जाएगा। उसमें जो 1-2 लड़कियों को जरूरत थी वोमिटिंग की वजह से ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट चालू है। डीन साहब खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए खड़े हैं और पूरी डॉक्टरों की टीम जो जरूरी ट्रीटमेंट है वो करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। जिलाधिकारी से आपने बात की है, क्या कहेंगे? जिलाधिकारी मैडम से इस बारे में सखुल चौकसी के बारे में कहा है, उन्होंने भी ऐसा चौकसी के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं और जो फूड पॉइजनिंग जैसा प्रकार हुआ उसमें एग्जैक्ट कारण क्या है, इसमें दोषी कौन है, ये देखने के लिए उन्होंने आदेश किए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.